बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू नाइन्थ बायोलॉजी क्लास। नाइन्थ बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 9, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और उसका बेटा पेज नंबर है आपके पास 202। पेज नंबर है 202 और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। बेटा देखो, जितनी भी ब्लड वेसल्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखो दो वर्ड्स हैं, एक है कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर से मुराद है यहाँ पे वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स की जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, चले बेटा अगर हम इसमें देखें प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए, द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि दिल और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। क्लियर हो गया? चले अब बेटा ये जो बहुत सारी डिजीजेस का एक मजमुआ है इस वजह से हमने डिसऑर्डर्स कह दिए, अगर सिंगल होता तो कहते डिजीज, लेकिन अब क्या है, पूरी कलेक्शन है, बहुत सारी बीमारियां हैं ब्लड वेसल्स की और दिल से रिलेटेड, उन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, दीज डिजीजेस हैव सिमिलर कॉजेस मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। अब बेटा देखो कि जितनी भी आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं ऑलमोस्ट में क्या होता है, दे हैव सिमिलर क्या क्या कॉजेस, ठीक है, सिम्टम्स, ठीक है, कि इनमें जितनी भी कॉजेज होती हैं अल्टीमेटली वो क्या होती है, दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चे, क्या कि जितना भी ये एक ग्रुप है डिजीजेस का उसमें जितनी भी बीमारियां होंगी उन सब की तकरीबन सेम कॉजेज होंगी। ठीक है, कॉजेज क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनका सेम मैकेनिज्म होगा, सेम तरह से वो बीमारी कॉज करेंगी और बेटा जो उनका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट होगा वो भी एक दूसरे से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जो ब्लड वेसल्स और हार्ट से रिलेटेड हैं उन सब के लिए कलेक्टिवली हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, चले अब आते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियो
वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनकी जो पॉसिबल कॉसेस हैं, जो रीजंस हैं, वो क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन यहां पे बेटा डिस्कस करते हैं हम। दैट लीड टू कार्डियोवैस्कुलर इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल जी एडवांस्ड एज, ठीक है। पहला बेटा जो आपके पास रिस्क फैक्टर है वो है एडवांस्ड एज। अब इस बात का क्या ताल्लुक हुआ उससे? एडवांस्ड एज से मुराद है बेटा यहाँ पे कि देखो जो पुराने लोग थे वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, ठीक है। उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा आसाइशें नहीं थी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्टिविटीज या अपने काम काज उससे करते थे। लेकिन जो मॉडर्न एज है बेटा उसमें मतलब आज के दौर में आप देखो कि टेक्नोलॉजी जो है, जो साइंस है, वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि बेटा हम बिल्कुल भी किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इस तरह से बाकी जो जितनी भी आपकी हेल्थी एक्टिविटीज हैं लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स हुआ करते थे, बच्चे खेलते थे बाहर जाके, लेकिन अब क्या होता है वीडियो गेम्स आ गई हैं, घर पे बैठे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ब्लड फ्लो प्रॉपर होता नहीं, और उसकी वजह से फिर क्या होती है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं उनके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी क्या चीज है? दूसरा बेटा जिसका रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस बेटा आपके पास जिसको उर्दू में ज़ियाबितस और जो आम लैंग्वेज में से शुगर की बीमारी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि आपकी जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है। उस वजह से भी जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनके जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर तीसरा रिस्क फैक्टर हम यहाँ पे देखें, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी फैट्स इन बॉडी। अब देखो इस पास से क्या मुराद है? इस पास से मुराद ये है कि आपका जो ब्लड है उसमें जो फैट्स हैं, स्पेसिफिकली कौन से फैट्स? लो डेंसिटी फैट्स। अब जो फैट्स हैं बेटा उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाई डेंसिटी फैट्स एंड लो डेंसिटी फैट्स। अगर आपके ब्लड में जो लो डेंसिटी फैट्स हैं उनकी या लिपिड्स जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी अल्टीमेटली लिपिड्स आपके ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या कॉज करेंगे? आपके पास हार्ट डिजीजेस कॉज करेंगे। अब लो डेंसिटी फैट्स या लिपिड्स क्या है आपके पास? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और इसके अलावा बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। आपको पता है कि जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स में दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक होते हैं आपके पास ग्लिसरॉल और दूसरे होते हैं तीन फैटी एसिड्स, ठीक है, तो उनकी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और जिसका मेजर फैक्टर हो सकता है आपके पास हार्ट डिजीजेस के लिए वो है जी टोबैको स्मोकिंग। फोर्थ वन इज टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू नोशी। क्यों जी तंबाकू नोशी क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि बेटा जो तंबाकू है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आपके लंग्स को और आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं और अल्टीमेटली जो है वजह बनते हैं इसकी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, ठीक है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो फाइव बेटा आपके पास आएगा पॉइंट, इसका जो रिस्क फैक्टर है वो है हाई
हाई ब्लड प्रेशर, फिफ्थ वन इज हाई ब्लड प्रेशर। देखो अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो हर वक्त बहुत हाई रहेगा तो वो भी अल्टीमेटली वजह बनेगा किसकी, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। ठीक है, अगर नंबर सिक्स पे बात करें ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं बेटा मोटापे को। आपको पता है कि जो मोटापा है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ठीक है, ओबेसिटी। एंड सेवंथ वन इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अब बच्चों अगर सिडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करें तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या मुराद है? सिडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं ऐसे लाइफस्टाइल को जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ना हो, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना हो। ठीक है, मतलब सुस्त कुछ ना करना। ठीक है, तो वो ज्यादा आपके पास आएगा किसमें, सिडेंट्री लाइफस्टाइल में। तो ये बेटा हमारे पास जो पॉसिबल रीजंस हैं वो किसकी हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, या मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो इन वजह से जो आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आपको लाहक हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या स्टडी किया आज हमने, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियो मीन हार्ट, वैस्कुलर यहाँ पे ब्लड वेसल्स, डिजीजेस व्हिच इन्वॉल्व द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं ये तकरीबन एक ही तरह से आपकी बॉडी में जो है वो कॉज हो रहे होते हैं, इनका जो मैकेनिज्म है वो भी सेम है, और इनके अगर हम बात करें आपके पास इनके ट्रीटमेंट की तो वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। फिर हमने देखे डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, उसमें हमने वन बाय वन देखा कि क्या है आपके पास इसकी कॉजेज, सिम्टम्स में आ सकते हैं जी रिस्क फैक्टर्स में एडवांस एज, डायबिटीज, एक एक सारे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी फैट्स, टोबैको स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। लास्ट टू टॉपिक्स बेटा हमारी बुक के रह गए हैं, इसके बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। साथ साथ अभी से बेटा एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें ताकि लास्ट में जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स ना बने। ठीक है, आपकी बुक पे एक छोटा सा साइड नोट दिया गया है, पेज नंबर 202 पे, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर द मेजर कॉज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स इन डेवलप्ड एज वेल एज नॉन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो क्या उसमें से जो बात समझने वाली है या जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो आपके पास मेजर कॉज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स। ठीक है, कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं इनकी वजह से बेटा अचानक मौत हो जाती है। कैसे, देखो अगर हार्ट अटैक होता है, ठीक है, समटाइम इतना सीवियर होता है कि एट द स्पॉट उसी लम्हे पे जो जिस बंदे को हार्ट अटैक होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। या आपकी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होती है, उस ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सडन डेथ, अचानक मौत की जो आपके पास मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा नॉन एक्सीडेंटल कहते हैं, मतलब एक्सीडेंट के अलावा जितने भी आपके पास सडन डेथ है उनको नॉन एक्सीडेंटल कहेंगे हम। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स के अलावा जो मेजर आपके पास सडन अचानक मौत की जो सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं तमाम कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और तरक्की पजीर ममालिक में भी, वो कौन सी रीजंस हैं आपके पास बेटा, वो आपके पास हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, चलें आज के लिए बेटा इतना ही, छोटा सा टॉपिक था,
एक छोटा सा पैराग्राफ वही आज हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें बेटा, अच्छे से स्टडी करें, अल्लाह हाफिज़।